हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट स्कीम और योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले सिक्वेंशियली चलेंगे, 2014 से स्टार्ट करेंगे और 2020 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो 2014, 15, 16 ये सब स्टैटिक में आ जाता है, जो जो आप सिर्फ 2020 के एग्जाम में नहीं, आगे भी जो एग्जाम होंगे उन सब में भी पूछा जाएगा। ठीक है, और 2020 का जो करंट स्कीम्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग 2014 से स्टार्ट करेंगे। 2014 में कुछ स्कीम्स हैं, उसको ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स और योजना के बारे में बात करेंगे हम लोग, इनको ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे ताकि ईयर इजीली याद रहे। एग्जाम में दो चीज़ें पूछता है, या तो फुल फॉर्म पूछेगा, सॉरी तीन चीज़ें पूछेगा, या तो फुल फॉर्म पूछेगा, या कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था और कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक का सहारा लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नमामि गंगे की। ये 2014 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखना इजी है, नमामि गंगे गंगा का बात कर रहा है तो वाटर तो आएगा भैया। ठीक, और ट्रिक क्या हो जाएगा, गंगा पोल्यूशन को हम लोग का ये स्कीम जो लॉन्च किया गया था वो गंगा पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यही ट्रिक होगा हम लोग का, और ट्रिक को जाके आगे जाके हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, तो ये भी 2014 में लॉन्च किया गया था। और देखिए धन की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री जनधन, धन जहां पे भी आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सिर्फ धन से याद रखेंगे। उसके बाद विकास पात्रा, किसान विकास पात्रा KVP, ये भी 2014 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, किसान विकास, यानी शॉर्ट में याद रखेंगे अभी किसान विकास। ट्रिक मैं आगे बताऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शर्मा जयते योजना, ठीक है, PDUSJY, ये भी 2014 के द्वारा लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखना है, ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक नहीं बनाया है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान, ये तो बहुत बार सुने हैं, सब सुने हैं, लेकिन कब लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था। और देखिए स्वच्छ भारत कब बनेगा, जब हम लोग पहले शहर से स्टार्ट करेंगे। तो शहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्बन। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत। ठीक है, मैंने शॉर्ट हो जाएगा स्वच्छ भारत। उसके बाद नेशनल बाल स्वच्छता NBS, ये भी 2014 और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसको सिर्फ शॉर्ट में याद रखेंगे, बाल स्वच्छता। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ये भी 2014, और मेक इन इंडिया कब होगा, जब जब हम लोग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप करवा देंगे सर, हर चीज़ यहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इंडस्ट्री से यहीं बनाएंगे, हम लोग को बाहर से कोई चीज़ मंगाने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, शॉर्ट तो क्या फुल ही हो गया, मेक इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM जो है, ये भी 2014 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। अब आते हैं ट्रिक पे कि कैसे याद रखेंगे। तो हम लोगों ने 2014 वाला पढ़ा स्कीम्स, ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, हम लोग को सिर्फ ये टर्म याद रखना है कि 2014 में स्वच्छ भारत स्कीम आया था। ठीक है, उसके बाद बाकी सब अपने आप रिलेट हो जाएगा। तो स्वच्छ भारत कैसे होगा, जब बाल स्वच्छता, बाल का मतलब क्या होता है, बच्चे। ठीक है, तो जब बच्चे स्वस्थता रहेंगे, क्लीन रहेंगे। ठीक है, और बच्चे स्वच्छता रहेंगे, क्लीन रहेंगे, उसका तो हम लोग को गंगा को भी तो क्लीन करना होगा। ठीक है, तभी तो पूरा भारत स्वच्छ होगा। तो गंगा पोल्यूशन को डिक्रीज करना होगा, इसके लिए कौन सा स्कीम आया था, नमामि गंगे। उसके बाद मेक इन इंडिया, तो जब पोल्यूशन होगा ही नहीं, क्या सबको क्लीन रहेगा, तो इंडस्ट्री भी डेवलप होगा, बाहर से लोग भी आएंगे, तो उससे क्या होगा, मेक इन इंडिया होगा। और उससे अगर इंडस्ट्री यहीं का होने लगे, इंडस्ट्री में डेवलप आने लगे, तो यहाँ का किसानों का भी विकास हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2014 की स्कीम है, इस तरह से याद रखना है आपको कि स्वच्छ भारत कैसे होगा, बच्चों को क्लीन रखना है, गंगा को क्लीन रखना है, तो इंडस्ट्री का भी डेवलप होगा, तो मेक इन इंडिया होगा, तो किसान का भी विकास होगा। ये 2014 की स्कीम है, होप सो ये अच्छा लगा होगा। अब 2015 की बात करते हैं। ठीक है,
तो 2015 में क्या होता है स्कीम्स के बारे में, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, PMSSY, तो ये भी ये 2015 में लॉन्च किया गया था। और देखिए सुरक्षा स्वास्थ्य हेल्थ को सुरक्षा कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसको याद रखेंगे, इसका शॉर्ट हो जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, BBBPY, ठीक है। तो ये बेटी का बात आ गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी 2015, तो इसको याद रखेंगे सिर्फ बेटी बचाओ। नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम NSTSS, ये भी 2015, और इस स्पोर्ट टैलेंट की बात कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको सिर्फ याद रखेंगे स्पोर्ट टैलेंट। तो जब भी स्पोर्ट टैलेंट की बात करूँ इसका मतलब NSTSS पूरा, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखो मुद्रा का मतलब क्या होता है कि जब आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है या नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था, और मुद्रा की बात है यानी कि पैसा, ठीक है, लोन कम पे करना, लोन क्या पैसा ही तो है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको सिर्फ याद रखेंगे आप मुद्रा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, PMJJBY, तो ये भी जीवन ज्योति बीमा करवाएंगे तो ये भी फाइनेंस में आएगा, ठीक है, बीमा की बात आने से ही फाइनेंस में आ जाएगा, ये भी जीवन इसको सिर्फ याद रखें जीवन ज्योति बीमा। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, PMSBY, ये भी देखिए सुरक्षा देगा तो बीमा की बात आने से ही हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार देंगे, ठीक है, ये सुरक्षा बीमा याद रखेंगे। उसके बाद अटल पेंशन, पेंशन की बात आया, पैसे की बात आया ओबीसी, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको सिर्फ याद रखेंगे पेंशन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, PMJKY, ये भी ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था, कि कृषि सिंचाई के बाद बोल रहे हैं, सिंचाई वगैरह किस में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको याद रखेंगे कृषि सिंचाई। उसके बाद डिजिटल इंडिया को याद रखेंगे सिर्फ डिजिटल से, ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब याद करना इजी है कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद स्किल इंडिया की बात करते हैं, ये भी 2015 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको याद रखना सिर्फ स्किल। स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी देखिए स्मार्ट सिटी कहाँ बनाते हैं हम लोग, शहर में बनाते हैं, गाँव में तो बनाएंगे नहीं, तो अर्बन आएगा, शहर के लिए इंग्लिश क्या यूज करते हैं, अर्बन, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसको याद रखेंगे सिर्फ स्मार्ट सिटी। उसके बाद दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो DDUGKGJY, ये मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, तो ये भी याद हो जाएगा आपको। अब आते हैं ट्रिक में कि 2015 में कौन कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था और ट्रिक क्या है, सॉरी 2015 के अभी भी कुछ स्कीम बाकी है, उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे हम लोग। तो उसके बाद आता है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, ठीक है, PMBJP बोलते हैं इसको या PMJAY बोलते हैं, ये लॉन्च किया गया था 2015 में और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको याद रखना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाया मैंने। उसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम GMS, तो ये भी 2015 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी गोल्ड की बात कर रहा है यानी कि पैसे की बात कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इसको याद रखेंगे क्या, गोल्ड मोनेटाइजेशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, वहां पे हुआ था किसान का विकास हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या, वहां पे किसान का 2014 में किसान का विकास हुआ था, तो यहाँ पे कौशल का विकास हुआ भैया, ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहे हैं। तो ये कौन कौशल विकास कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आते हैं ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, तो 2015 में जो स्कीम लॉन्च किए गए थे उसका ट्रिक क्या है कि पहले हम लोग बेटी बचाएंगे, तो सिर्फ बेटी बचाने से मतलब नहीं होगा, उनको उनका जीवन का भी जीवन ज्योति बीमा कराना पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य सुरक्षा का बीमा कराना पड़ेगा, ठीक है, कराना पड़ेगा ना, हेल्थ वगैरह का तो बीमा करवाना पड़ेगा, ठीक
है, और उनकी सुरक्षा का भी बीमा करवाना पड़ेगा। ठीक, तो आप इस चीज को रिलेट कीजिए। उसके बाद अगर उसमें कोई स्पोर्ट्स का टैलेंट है तो उन्हें स्पोर्ट्स भी खिलवाना पड़ेगा, और उसमें अगर स्पोर्ट्स का टैलेंट है ठीक है तो उसके आगे पढ़ने के लिए उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ताकि वो सॉरी ताकि वो नया नया स्किल सीख सके। लोन प्रोवाइड करना मतलब कम कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना, वही तो था मुद्रा स्कीम। और वो लोन लेकर के क्या रहेगी, क्या नया नया स्किल सीखेगी। अब नया नया स्किल सीखेगी तो आजकल डिजिटल का जमाना है, तो सब कोई वो स्किल क्या सीखेगी, डिजिटलाइज कुछ स्किल सीखेगी। ठीक है, अगर वो डिजिटल कोई स्किल सीख लेती है तभी तो हमारा सिटी इंडिया इंडिया आपका स्मार्ट बनेगा। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी हो गया। अब जब स्मार्ट सिटी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उनको पेंशन भी तो मिलना चाहिए बुढ़ापा के वक्त। ठीक है, तो अटल पेंशन स्कीम आया था। उसके बाद 2014 में देखे थे किसान विकास पत्र था, तो यहाँ पे कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं ट्रिक बता देता हूँ कि बेटी बचाने से सिर्फ नहीं होगा, उनको जीवन ज्योति बीमा भी करवाना पड़ेगा, और उनका स्वास्थ्य सा सुरक्षा जो हेल्थ सुरक्षा है उसका भी बीमा कराना पड़ेगा, और सुरक्षा का भी बीमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद स्पोर्ट टैलेंट का भी, स्पोर्ट टैलेंट अगर है उन्हें तो उनके पास, तो उनको लोन देना पड़ेगा कम इंटरेस्ट पे, जिससे वो नया नया स्किल सीख सके। और वो स्किल सीखेगा किसमें, डिजिटली कुछ सीखेगा स्किल, तभी तो हमारा इंडिया यानी कि स्मार्ट सिटी क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। और अगर वो बुरा हो गया तो उसको पेंशन भी दिलवाना पड़ेगा। और पेंशन के साथ साथ, पेंशन तो होगा ही, उसके बाद 2014 में जाने थे कि किसान का विकास हुआ था, यहाँ पे कौशल का विकास होगा। तो होप सो ये भी ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप एंड तक बने हुए हैं तो। अभी 2016 का स्कीम बचा हुआ है, तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और चलते हैं हम लोग 2016 का स्कीम में। 2016 में क्या क्या था, कौन कौन स्कीम था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, तो जिसको शॉर्ट में स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं। ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग। ये 2016 में 16 में लॉन्च किया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो सुने होंगे, PMGKY। ठीक है, ये गरीब की बात कर रहा है, यानी कि गरीब अमीर कौन होता है, पैसा ऐसे ही तो देखते हैं हम लोग। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, पैसे की बात आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये 2016 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, ये भी 2016 में लॉन्च किया गया था, और फसल की बात कर रहा है तो एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। इसको फिर से दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, 2016 में स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गरीब कल्याण योजना गरीब और अमीर यानी के फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फसल बीमा, ये भी 2016 में, और फसल की बात कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ट्रिक अगर अच्छा लगा है तो भी लाइक कीजिएगा, या कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और ट्रिक के थ्रू कुछ नए चीज आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ताकि आप एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।